साथियों नमस्कार, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक बधाई। आज हम नवरात्र की पूर्व संध्या पर आपसे मुखातिब हो रहे हैं और एक विशेष प्रयोजन के तहत आपके सामने मैं हूं। आप सबको भारतीय क्रिकेट टीम की इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर लगातार 8वीं जीत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। इस मैच के पहले तक जो भी दुविधाएं थी, जो भी संशय था, जो भी बड़े बोल थे पाकिस्तान की तरफ से, उन सब को आज भारतीय टीम ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। मैच में टॉस जीतने से लेकर के और मैच की आखिरी गेंद पर चौका लगाने तक सब कुछ वेल प्लान्ड भारतीय टीम के साथ हुआ। बहुत अच्छी कप्तानी की रोहित शर्मा ने, टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का उन्होंने फैसला किया और उसके बाद से उनके गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की, माशाल्लाह देखने काबिल था। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, सिराज ने भी विकेट निकाले, अच्छे विकेट निकाले, लेकिन ये मैंने पिछले मैच में के दौरान या उसके बाद भी आपसे चर्चा में कहा है कि सिराज अपनी लय में नहीं है अभी तक। उसके बावजूद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की। हार्दिक पांड्या जो अपने गृह मैदान पर खेल रहे थे, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। इसके अलावा हमारे जो दो स्पिनर हैं, क्या बात है, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, क्या बात, बहुत बढ़िया, मार्वलस। माने एक तरह से पूरा टीम एफर्ट, पहले मैच से जिस तरह से टीम इंडिया टीम पूरी टीम की तरह से मैच को ले रही है, खेल रही है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या क्षेत्र रक्षण का मामला हो, जबरदस्त। ऐसी टीम जो वास्तव में लग रही है कि उसे विश्व कप जीतना चाहिए, हालांकि ये कहना बहुत अर्ली होगा क्योंकि अभी केवल 3 राउंड ही हुए हैं, अभी 6 मैच और खेले जाने हैं और आगे के दौर में अभी इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है जो कि बहुत बढ़िया खेल रही है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है जो कि सबसे अच्छी तरह से वेल बैलेंस्ड टीम लग रही है, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ अभी खेलना है। तो मैच टूर्नामेंट अभी एकदम ओपन है, लेकिन पिछले 3 मैचों में जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर हम आज के मैच के बारे में विस्तार से जाएं तो टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक साझेदारी हुई। कप्तान बाबर आजम ने 50 अर्धशतकीय पारी खेली और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी जब विकेट पर होती है तो वो विपक्षी टीम में कुछ बल्लियां सी, कुछ चूहे बिल्ली का खेल होता रहता है, दिल में कुछ धड़कन बहती रहती है कि ये दोनों के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो मैच को अपनी तरफ मोड़ सके। लेकिन 82 रन की यह साझेदारी जैसे ही टूटी उसके बाद से पाकिस्तानी टीम ताश के पत्तों की तरह भरा गई। माने हालत ये थी कि एक वक्त 30 ओवर में 155 रन पर 2 विकेट केवल थे और पूरी टीम
40-50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 191 रन पे ऑल आउट हो गई। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट, थोड़ा शुरुआत में भटके जरूर थे, लेकिन संभले, उन्होंने 2 विकेट भी लिया, 8 ओवर गेंदबाजी की और 50 रन देकर के 2 विकेट लिए उन्होंने। बुमराह, हार्दिक, सिराज, कुलदीप और जडेजा, तीनों सभी चारों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट आपस में बांटे। शार्दुल ठाकुर को आज कोई सफलता नहीं मिली। बीच में ये चर्चा भी उठी थी कि शार्दुल की जगह अश्विन को खिलाना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ, अंत भला तो सब भला, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस तरह के स्पिनिंग ट्रैक पर टीम इंडिया को 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। ये हम लोगों की सोच है। टीम मैनेजमेंट क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, वो शायद हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। वो चाहे हेड कोच राहुल द्रविड़ हो, कप्तान रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, उपकप्तान हार्दिक पांड्या हो, ये उनका उनकी सोच है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बार ये सोचने की चीज जरूर है। हालांकि जैसा बताया जा रहा है कि टीम प्रबंधन लास्ट 8वें नंबर तक बल्लेबाजी खोज रहा है, उसके नाते अश्विन को जगह नहीं मिल पा रही है, सिर्फ एक ही मैच उन्होंने खेला है। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि अश्विन भी निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। हम अगर आगे की तरफ चलते हैं तो पाकिस्तान के 191-192 रन के लक्ष्य के सामने जब हम भारतीय टीम उतरी, लंबी बीमारी डेंगू से जीत करके मैच की तरफ रुखसत करने वाले शुभमन गिल अपना पहला विश्व कप का मैच खेलने के लिए रोहित शर्मा के साथ मैदान में उतरे। अच्छे टच भी दिखाई दिए, जिस तरह से उन्होंने कुछ स्ट्रोक्स लगाए वो बहुत बढ़िया थे, लेकिन कप्तान रोहित ने जो पहली गेंद से ही पाकिस्तान के ऊपर हावी होने का जो उनका अपना तरीका है उसको अपनाया, जो टेम्परामेंट चाहिए, जो टेम्परेट चाहिए वो दिया टीम को, पहली गेंद पर चौका लगा करके उन्होंने टीम इंडिया और अपना खाता खोला और ये सिलसिला उनका बढ़ता गया बढ़ता गया। पूरे इनिंग में उन्होंने 6 छक्के लगाए। अब आप कह सकते हैं कि कप्तान को जिस तरह से खेलना चाहिए, फील्डिंग के वक्त जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया, गेंदबाजों को जिस तरह से समझाया और उनसे गेंदबाजी कराई, जिस तरह से क्षेत्र रक्षण में उनका दिमाग लगा, यहां तक कि रिव्यू लेने में भी बहुत ही सोच समझ करके उन्होंने अपना फैसला सुनाया, रिव्यू लिया और उस पर विकेट भी मिला उनको। अगर अब हम अगर इंडियन टीम की बल्लेबाजी की बात कर रहे थे बीच में, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ओपनिंग शुरू किया। हालांकि शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में नजर आए, लेकिन 16 रन बना करके वो आउट हुए। विराट कोहली आए, विराट कोहली भी बहुत ज्यादा देर तक आज नहीं टिक पाए, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का एक अच्छा प्रदर्शन लगातार रहा है, निरंतरता है, लेकिन आज वो भी 16 रन बनाकर के आउट हो गए। इन सब से बेफिक्र होकर के कप्तान रोहित शर्मा अपने अंदाज में बैटिंग करते रहे, लेकिन आखिरकार फिर से 86 रन की वो पारी खेलने के बाद जिस तरह से वो आउट हुए, उनका बल्ला घूम गया अफरीदी की गेंद पर, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। इसके बाद एक अच्छी चीज है
कि श्रेयस अय्यर ने आज 50 रन किया, विजयी चौका लगाया। केएल राहुल के बारे में कुछ कहना नहीं है, वो पहले मैच से जो उन्होंने बैटिंग करने जिस अंदाज में शुरू की है वो उसी अंदाज में आगे बढ़ते रहे, अच्छी बैटिंग की। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों ने अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से साबित किया है। अगर हम बात करें कि आज पाकिस्तान की तरफ से चाहे शाहिन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, हसन अली हो, शादाब हो, कोई चल नहीं सका टीम इंडिया के आगे। लेकिन जो विश्व कप में 8वें शतक से रोहित शर्मा जरूर चूक गए, 63 गेंदों पर उन्होंने 86 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 30.3 ओवर में लक्ष्य पूरा करके टीम को न केवल जीत दिलाई पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अपना रन रेट भी अच्छा कर लिया, जिसके चलते वो अब कप पर पहुंच गए हैं, मेडल पदक तालिका में जो टेबल है उसमें वो टॉप पर पहुंच गए हैं। 1.82 उनका रन रेट हो गया है। इसके बाद न्यूजीलैंड है जो कि 1.60 पर है। लेकिन आज जिस तरह से 1.25 लाख दर्शकों के बीच टीम इंडिया ने यह मैच जीता है, एक तरह से कहें कि एक तरफा मुकाबला हुआ। ये पाकिस्तान कभी भी इस मैच में लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। ये टेम्परामेंट बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब हमको कम से कम 2-3 मैचेस ऐसे खेलने हैं, 4 मैचेस, हालांकि कुल 6 मैच है, जिसके अगला मैच हम 19 तारीख को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, उसके बाद 22 तारीख को हम धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, उसके बाद इंग्लैंड के साथ लखनऊ में हम खेलेंगे। इस महीने में ये 3 मैचेस हमको खेलने हैं। वैसे तो हर मैच, जैसा कि मैच के बाद कप्तान ने भी कहा, कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा कि हर अपोनेंट को पूरी तवज्जो देनी है, कोई भी टीम कमजोर नहीं है, विश्व कप का मुकाबला है, ऐसे में एक एक मैच दर मैच अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करना है। हाँ, यहां एक चीज बता दूंगा कि आज वो मौका भले ना आया हो, लेकिन टीम इंडिया की एक जो कमजोरी दिखाई दे रही है लंबे अरसे से, वो अभी भी कायम है, खास तौर पर स्लॉग ओवर्स, यानी कि आखिरी प्लेऑफ 10 ओवर में इनकी गेंदबाजी उतनी पैनी अभी तक नहीं दिखी है। यहां तक कि इसका कारण ये हो रहा है कि विपक्षी टीम के जो टैलेंडर्स हैं वो भी अच्छा खासा रन बना रहे हैं। टीम इंडिया को इसकी तरफ भी सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो विपक्षी को अगर शुरुआती बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर लेते हैं तो आखिर के बल्लेबाजों को भी जल्दी से सिमटाएं, ताकि कम से कम रन बनाने की जरूरत पड़े। आपका रन रेट भी अच्छा होगा, आपका मनोबल भी अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं इंडिया, पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया के हर मैच के आगे पीछे हम आपसे मुखातिब होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे, हमारी ये चर्चा आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
ताकि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं हर मैच, भारतीय मैच टीम के मैच के बाद आपसे मिलूंगा, मिलता रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।